भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अरविंद गौतम के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल एडीबी के अधिकारियों से मिला और नगर के एडीबी के कारण हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। भाजपा के पदाधिकारियों ने एडीबी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर आर के राजवर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर मुकेश मोहन से शहर के लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में खोदी जाने वाली सड़कों की तुरंत मरम्मत कराई जाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि नगर में पिछले दिनों कई लोग दुर्घटना के शिकार हुए, जिसमें लोगों को काफी चोट भी आई और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। वहीं एडीबी अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिन का समय मांगा और आश्वासन भी दिया। जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एडीबी के ऑफिस में पहुंचे और उनको रुड़की शहर को तहस नहस करने का और जो जनता है उसको बीमार करने का और जो तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है, उसके लिए उन्हें जाके झकझोरा गया और उनको बताया गया कि ये तमाम जो उनकी तरफ से घोटाले हो रहे हैं इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। शहर को उन्होंने पूरा गड्ढा युक्त बना रखा है। आज वही सारी हमारे चंदोक जी हैं, उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई थी। आज सुबह भी एक व्यक्ति जो बहुत ही मेरे ख्याल में 70-80 साल के होंगे, वो गड्ढे में नीचे गिर गए। बीएचएस से रिटायर है वो, उनको सीढ़ी लगा करके 10 फुट गड्ढे से निकाला गया है।